भाई इतनी गर्मी में अगर ठंडा ठंडा बादाम शेक मिल जाए तो क्या बात है, और वो भी बादाम शेक ऐसा जिसमें हमें दो फ्लेवर का मजा आने वाला है, रबड़ी का भी और बादाम का भी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है टू इन वन बादाम शेक। तो इसके लिए मैंने ये कुछ बादाम ले लिए थे, करीबन 15-16 बादाम हैं, ओवरनाइट भिगो दिए थे और इनका मैंने छिलका निकाल लिया है। तो ये ले लिया है मैंने जार। तो सारे बादाम आप ले लीजिए, छिलका निकाल लीजिए और इनको आप डाल दीजिए जार में। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी और इसे चला लूँगी। तो ये थोड़ा सा दूध डाल देंगे तो इसे अच्छे से ये चल जाएंगे। तो इसको अब मैं चला लूँगी। और ये लिया है मैंने दूध और ये लिया है मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर में हम 2 चम्मच दूध डालेंगे, 2-3 चम्मच, और इसका एक अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे। और करीबन ये आधा से पौन किलो करीबन मेरा ये दूध है जिसे मैंने गैस पर रख दिया है और इसको अब हम चलाएँगे। गैस ऑन कर दिया मैंने। तो दूध को हमें गाढ़ा करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने बना लिया है कस्टर्ड का। तो इसमें मतलब एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तो अब हम दूध को चला रहे हैं, गैस मीडियम है। तो दूध को वेट करते हैं उबाल आने तक। तो ये देखिए दूध अभी उबला नहीं है, गर्म हो गया है। तो हम इसमें अभी चीनी डाल देंगे। ये एक्चुअली चीनी जो गुड़ होता है ना उसका पाउडर है, मैं चीनी की जगह यही यूज करती हूँ क्योंकि चीनी काफ़ी नुकसान करती है, तो कभी कभी मैं चीनी यूज़ करती हूँ। तो देखिए इसमें ये उबाल आ गया है अच्छे से। अब गैस का फ्लेम इस टाइम पर हम स्लो कर देंगे। तो इसे कंटिन्यू हमें बीच बीच में चलाते रहना है, दूध को हमें गाढ़ा करना है अभी काफ़ी। और अब गैस का फ्लेम आप बिल्कुल स्लो कर दीजिए, मतलब लो टू मीडियम होना चाहिए थोड़ा सा। और ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर आ रहा है ना इसमें। तो अब इसमें मैंने ये जो कस्टर्ड था वो डाल दिया है, लेकिन कस्टर्ड डाल के आपको कंटिन्यू चलाना है, रोकना नहीं है, नहीं तो ये इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसको देखिए मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। अगर आपको कस्टर्ड का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप कस्टर्ड थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए चलाते चलाते कितना गाढ़ा हो गया है। और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, बादाम और काजू, लेकिन जो साइड से जो मलाई है वो मैंने खुर्ची नहीं है, और यही मलाई जो साइड में जमी हुई है ना इसको हम बाद में हटाएंगे और ये काम करेगी रबड़ी का। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं। ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी लग रहा है एकदम, बहुत ही अच्छा। अब केक काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो बस अब हमने इसमें लास्ट में डाल दिया ये इलायची पाउडर। तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद है तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा करीबन बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से ये देखिए मैं इस पर देख रही हूँ तो ये गिर नहीं रहा है। तो आप चेक करने का एक तरीका बता रही हूँ, आप ऐसे रखिए, अगर एकदम से गिर रहा है आपका दूध तो अभी आपका दूध परफेक्ट गाढ़ा नहीं हुआ है। तो ये देखिए मैंने ठंडा करने रख दिया था। तो अब ठंडा करने के बाद ये फ्रिज में रख दिया था मैंने, थोड़ा देर बाहर रखा है और जब ठंडा हो गया तो फ्रिज में रख दिया। तो करीबन 2 घंटे बाद मैं इसे ग्लास में डाल रही हूँ। तो एकदम चिल्ड है ये और पीने में एकदम चिल्ड ही मज़ा आता है भाई, मुझ पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ इसे। तो ये देखिए पूरा ग्लास मैंने भर दिया है और सच बताऊँगा तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि 2-3 जितने भी ग्लास हों लगता है सारे पी जाओ। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दिए हैं, बादाम है, पिस्ता है, ये आपकी चॉइस है, कोई ड्राई फ्रूट्स आप डालें या ना डालें ये वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ड्राई फ्रूट्स अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। तो ड्राई फ्रूट्स सारे मैंने डाल दिए। अब ये जो साइड में जो जमी थी ना उसको मैंने खुरच लिया है और वो इसमें मैंने डाल दिया है ये रबड़ी। तो इस तरीके से अगर आप बादाम शेक बनाएंगे ना तो सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन, जिससे आपके पास सबसे पहले आ सकेगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।